सो हेलो गाइस एंड स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 गेम्स फॉर पीसी अंडर 5 GB। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गेम्स बताने वाला हूँ जो कि मतलब जिनका साइज 5 GB के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब वो जो गेम्स हैं उनको आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे अपने पीसी में, मतलब इतनी कुछ देर नहीं लगेगी, ना ही ज़्यादा इंटरनेट खर्च होगा आपका। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बात करते हुए इस लिस्ट के फर्स्ट गेम की, जिसका नाम है नीड फॉर स्पीड राइवल्स। तो अगर मैं बात करूं नीड फॉर स्पीड राइवल्स की, तो ये 12th इंस्टॉलमेंट है नीड फॉर स्पीड की फ्रेंचाइजी में। और इस गेम में आप रोल प्ले कर सकते हो एक रेसर का या फिर एक कॉप का, दोनों ही चीज़ें आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। और इस गेम में आपको 11 अपग्रेडेबल गैजेट्स भी फीचर किए जाते हैं, जैसे कि शॉक वेव्स, स्पाइक स्ट्रिप्स एंड द एबिलिटी टू कॉल इन रोड ब्लॉक, जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है। और भी काफ़ी सारी अपग्रेडेबल गैजेट्स इस गेम में फीचर की गई हैं। और ये गेम आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी अगर आपको नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड पसंद आई थी तो, क्योंकि इस गेम का जो ओपन वर्ल्ड है या फिर जो इन्वायरमेंट है वो सिमिलर है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के। तो NFS मोस्ट वांटेड के जो फैंस हैं उनको भी इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारे लिस्ट के फर्स्ट गेम की या फिर काम डाउन के 5th गेम की। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है गियर्स ऑफ वॉर। तो इस गेम को डेवलप करा था एपिक गेम्स ने एंड पब्लिश किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड ये एक एक्सक्लूसिव टाइटल है एक्सबॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। और इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो प्ले करी जा सकती है सिंगल एंड कोऑपरेटिव मोड में। और इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहां पर मैचेस होते हैं बिटवीन 8 प्लेयर्स। और ये गेम मोस्ट सेलिंग गेम थी 2006 की एंड सेकंड प्लेड गेम थी, मतलब सेकंड मोस्ट प्लेड गेम थी 2007 की, और 2006 की गेम ऑफ द ईयर भी थी ये गेम। तो आप समझ ही सकते हो ये गेम कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अगर ओवरऑल देखा जाए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्शन गेम है हम पीसी गेमर्स के लिए। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है मैक्स पेन 2। तो जहाँ तक मैं बात करूँ मैक्स पेन सीरीज़ की, तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेम्स है जो कि रॉकस्टार की तरफ से आती हैं। वैसे तो रॉकस्टार गेम्स की तरफ से जो भी गेम आती है वो ज़्यादातर अच्छी ही होती है, बट जहाँ तक मैं बात करूँ मैक्स पेन 2 की, तो इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो फॉलो करती है मैक्स पेन को, जो कि एक डिटेक्टिव है और इस गेम का मेन करेक्टर भी या फिर मेन प्रोटैगनिस्ट जो भी बोल लो। एंड ये गेम फुल ऑफ एक्शन से भरी पड़ी है, जहां पर आपके सामने एंडलेस एनिमीज़ आते जाएंगे जो कि आपको मारने की कोशिश करेंगे, और आपको उन सभी एनिमीज़ को डिफीट करना है या फिर कहूँ फिनिश करना है उन सभी वेपन से जो कि आपको इस गेम में यूज़ करने को मिलेंगे। और शुरुआत में जो हमारा प्लेयर होता है, मतलब जो हमारा मेन करेक्टर है, उसका इनिशियल वेपन 9mm पिस्टल होती है, बट जैसे जैसे आप गेम में आगे प्रोग्रेस करते हो वैसे वैसे आप काफ़ी सारे वेपन्स को भी एक्सेस कर पाते हो, जैसे कि शॉट गन्स, स्नाइपर राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स और भी काफ़ी कुछ। तो अगर आपको एक्शन गेम्स पसंद है तो यस, आप इस गेम को भी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है ग्रीड 2। सो यस गाइज, मैंने इस लिस्ट में एक और ऐसी गेम रख दी है जो कि रेसिंग कैटेगरी की तरफ से आती है। और ज़्यादातर रेसिंग गेम्स की तरह ग्रीड 2 में भी आपको एक नैरेटिव दिया जाएगा जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा कि आप उन फैंसी या फिर रेसिंग कार्स को क्यों ड्राइव करोगे। और ये गेम इंक्लूड करती है न्यूमरस रियल वर्ल्ड लोकेशन एंड सिटीज़, जैसे कि पेरिस। और इस गेम में इंक्लूड किया गया है एक गुड हैंडलिंग सिस्टम। मतलब जब इस गेम को बनाया जा रहा था तो इस गेम के डेवलपर्स जो थे उनका एम ये था कि इस गेम का जो गेम प्ले है वो रियलिज्म के आसपास फोकस्ड रहना चाहिए। और ये जो गेम है ये फीचर्स करती है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि टाइम अटैक, ड्रिफ्ट, एलिमिनेटर, चेक पॉइंट, व्हीकल चैलेंजेस और भी काफ़ी कुछ। एंड आप इस गेम में वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि नॉर्मली आप ज़्यादातर रेसिंग गेम्स में करते हो, जैसे कि कस्टमाइजेशन या फिर अपग्रेडेशन। सो गाइज, ये तो बात हुई ग्रीड 2 की, तो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है स्नाइपर एलीट V2। तो इस गेम की जो लोकेशन है या फिर इस गेम की जो टाइमलाइन है वो सेट है इन द बैटल ऑफ बर्लिन, जो कि हुई थी अप्रैल में 1945 में। एंड इस गेम की जो स्टोरी लाइन है वो फॉलो करती है अमेरिकन OSS को। और इस गेम में आप रोल प्ले करते हुए एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर का, जो कि एलिमिनेट करता है कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स को जो कि इन्वॉल्व है इन जर्मन V2 रॉकेट प्रोग्राम। एंड इस गेम में आपको अपने एनिमी से एक अच्छा खासा एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है, ताकि आप अपने स्नाइपर के ज़रिए अपने एनिमीज़ को मार सको। और अगर आपको पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी बैटल रॉयल गेम्स में स्नाइपिंग करना पसंद है तो इस गेम को भी आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस गेम में आपको सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्नाइपिंग देखने को मिल जाती है विद अ गुड स्टोरी लाइन।
सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो में आपको टॉप 5 पीसी गेम्स अंडर 5GB साइज बता चुका हूँ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बाकी लाता रहूँगा मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़। गुड बाय।